अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्यूएनएस टीवी और मैं हूं आसिफ मलिक। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है डायरेक्टर एमईटी मुख्तार साहब। तो सर खैर मुकदम है आपका पहले क्यूएनएस टीवी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मौसम के हवाले से आप हमें थोड़ा जानकारी प्राप्त कीजिए, आने वाले वक्त में जो मौसम है वो क्या रहेगा? जी अभी पेशनगोई काफी दिनों से पहले से चल रहा है कि 29-30 के बीच में एक स्पेल होगा, तो आज खासकर लेट इवनिंग से और कल के दरमियान में एक स्पेल होगा जिसमें हल्की बारिशें थ्रू आउट वैली खासकर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और जम्मू डिवीजन के अंदर भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर पीर पंजाल और चिनाब वैली के अंदर, और उसके साथ साथ थंडर लाइटनिंग भी जम्मू डिवीजन के अंदर पॉसिबल है। यहाँ पे भी लाइट थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस है, और उसके बाद फर्स्ट फोरनून से वेदर में इंप्रूवमेंट आएगी और लगभग 8 दिसंबर तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो फिलहाल 29th और 30th के बीच में एक स्पेल होगा। बाकी मिनिमम टेम्परेचर फिलहाल राइजिंग ट्रेंड में चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से और यही कंटिन्यू रहेगा लगभग 1 दिसंबर मॉर्निंग तक, और उसके बाद जो है ड्रास्टिक फॉल होने के चांसेस हैं मिनिमम टेम्परेचर के। दिन में खुली धूप रहेगी और सुबह शाम जो है उसी हिसाब से ठंड भी बढ़ेगा। तो फिलहाल उसके बाद लगभग 8 दिसंबर तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांस। सर फॉग के हवाले से हम बात करते हैं, फॉग अभी भी यहाँ देखने को मिल रहा है और जो सर्दी की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, तो उस हवाले से आप हमें थोड़ा बताइएगा ये कब तक रहेगा, ये जो फॉग का सिस्टम अभी भी मौजूद है? फॉग कल से जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, आज भी कुछ एक जगहों पर फॉग चल रहा है, तो ये वेट स्पेल एक बिल्कुल ज़रूरी था। फॉग और जो पोल्यूशन लोड जिस हिसाब से बढ़ा था पिछले कई दिनों से, तो फर्स्ट के बाद जो है जो फॉगी वेदर कंडीशन है ये इम्प्रूव हो जाएंगे और 7th, 6th, 7th, 8th के आसपास जो है फिर से रीडेवलप होने के चांसेस हैं फॉग लाइक कंडीशन, और तब तक जो है ठंड भी जो है सुबह शाम बढ़ेगी, और वैसे भी अब चिलाई क्लान के लिए भी 20-21 दिन बचे हैं, तो ठंड जो है अभी जो एक्चुअल ठंड है वो शुरू हो जाएगी। बाकी नवंबर का महीना ऑन एन एवरेज टेम्परेचर वाइज और प्रेसिपिटेशन वाइज भी बिल्कुल नॉर्मल मंथ निकला एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर सर आपने कहा कि जो मौसम है आज से थोड़ा खराब देखने को मिलेगा, तो सर इम्पैक्ट कहाँ ज्यादा नजर आएगा हमें जम्मू कश्मीर में? इम्पैक्ट साउथ कश्मीर और पीर पंजाल रेंज और चिनाब वैली के जो है रिसेंट जगहों पे देखने को मिलेगा, बाकी हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में थ्रू आउट वैली हर जगह देखने को मिलेगी, और ट्रैफिक भी जो है मुतासर हो सकती है खासकर जोजिला इसी तरह मोगल रोड सिंथन पास इन सारे जगहों पे टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन खासकर आज रात से लेकर कल शाम तक जो है थोड़ा ट्रैफिक मुतासर हो सकता है इंशाल्लाह। सेंट्रल कश्मीर सर का क्या हाल रहेगा? सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में या बडगाम के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशें या कुछ जगहों पे मिक्स लाइट रेन होगा, लेकिन एक्यूमुलेशन जो है नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा, कोई मेजर एक्यूमुलेशन यहाँ नहीं है। बाकी मिडल ईस्ट हायर ईस्ट सारे जगहों पे जो है लाइट स्नोफॉल अप टू 6 इंच तक पॉसिबल। क्यूएनएस टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।